गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आर इंग्लिश ग्रामर पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 16 कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम पहले एक एप्लीकेशन लिख चुके थे, है ना। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे। सो ओपन पेज नंबर 80। ओके, क्वेश्चन क्या है एप्लीकेशन का? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन टू गो होम इन द रेसेस। आपको रेसेस में घर जाने के लिए आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन में? द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, दैट इज रजन कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल, देन यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली की जगह क्या आएगा? भोपाल, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ओके, डायरेक्ट क्या लिखना है? भोपाल। नेक्स्ट 15 नवंबर 2011, ठीक है। तो यहाँ पर जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या डेट है? 9 सितंबर 2021। ओके, नेक्स्ट सर, सर की जगह हम किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं? हमारे प्रिंसिपल मैडम है, तो हम क्या लिखेंगे? मैडम, देन कॉमा, काइंडली अलाउ मी टू गो होम ड्यूरिंग द रेसेस एज आई हैव टू गो फॉर एन आई चेकअप, है ना। कृपया मुझे रेसेस के दौरान घर जाने के की अनुमति दें। क्यों? क्योंकि मुझे आई चेकअप के लिए जाना है। द ऑप्टिशियन इज़ अवेलेबल एट दैट टाइम ओनली। जो ऑप्टिशियन है वो सिर्फ उसी समय अवेलेबल होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ओके, एंड क्लास 5th। कोई सेक्शन नहीं है तो आप यहाँ इसको हटा सकते हो। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है एंड लर्न करनी है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऐसे, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हम लोग किसका ऐसे लिखेंगे? द रिपब्लिक डे का, ओके, सॉरी पढ़ेंगे, है ना। तो क्या आएगा? ऑन 26 जनवरी इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को इंडिया है, इंडिया जो है वो अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1950 दैट इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। 1950 में ये वही दिन था जब हमारा देश जो है या इंडिया जो है वो रिपब्लिक बना था या गणतंत्र बना था, है ना। दैट इज़ वाई दिस डे इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे। इसी कारण से इस दिन को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक डे कहा जाता है। ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इन टू इफेक्ट इन द ईयर 1950। इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज क्रिएटेड ऑन दिस डे, ऑन दिस वेरी डे। और इसी दिन प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई थी। एंड लाइक द अदर रिपब्लिक्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे रिपब्लिक की तरह वी ऑल्सो बिगैन टू हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। हमारे देश में भी क्या होने लगा था? मतलब इलेक्टेड हेड होने लगा था, ठीक है। एवरी ईयर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म अक्रॉस द नेशन। हर साल रिपब्लिक डे पूरे हमारे पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन दिल्ली द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल। दिल्ली में इस दिन को बहुत ही विशाल पैमाने पर मनाया जाता है। ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स एंड फ्लैग्स। और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको लाइट्स एंड फ्लैग्स से डेकोरेट किया जाता है। ओके, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और इतना ही लर्न करना है। ओके, इसको आप अपनी कॉपी में, ग्रामर कॉपी, उसमें भी लिख सकते हो लर्न करने के लिए, है ना। तो इसको याद करना है। हैव अ नाइस डे।